दोस्तों आज ही मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि मैं इंसान ही नहीं हूँ, इनह्यूमन हूँ, मैं हार्टलेस व्यक्ति हूँ। मैंने अभी तक अपनी इंस्टा स्टोरी पे, व्हाट्सएप स्टोरी पे, यूट्यूब कम्युनिटी पे कहीं भी ये पोस्ट नहीं डाला है। ऑल आईज ऑन रफा। अब मेरे ऊपर आरोप लग ही गया तो मैं आप इसके ऊपर बात करूंगा और अच्छे से करूंगा। मैंने बस इतना ही बोल दिया कि वाई ऑल आईज ऑन रफा। रफा में लोग थोड़ी परेशान है यार, आपके रफा के पड़ोसी मुल्क इसराइल में भी परेशान है यार। हमारे टॉप से लेके नीचे इंडिया में, कश्मीर हो, बांग्लादेश हो, कहाँ परेशान नहीं है, कहाँ सफरिंग नहीं हो रही, कहाँ लोग काटे पीटे नहीं जा रहे। एक देश हुआ करता था जहां पे कभी भारतीय संस्कृति बहुत फला करती थी, अफगानिस्तान। 2 साल पहले तक सारे हिंदू सिख भगा दिए गए, तब तो किसी की आंखें नहीं थी। उसके बाद बांग्लादेश देख लो, खुल्लम खुल्ला आए दिन मंदिरों पर अटैक हो रहा है, ऑल आइज कहाँ है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जो लोग रफा के लिए बड़ा बड़ा कंपैशन दिखा रहे हैं, फलस्तीन के प्रति बहुत दया दिखाना चाह रहे हैं, एक आबुल निदाल करके टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो फलस्तीन से आती है। इसने बहुत सालों पहले हमारे इंडियन एयरलाइन को हाईजैक किया था और एक नीरजा नाम एयर होस्टेस थी, नीरजा मूवी भी बनी हुई थी जिसको सोनम कपूर ने एक्ट किया था। वो इंडियन एयरलाइन को हैक करते हैं, हमारी एयर होस्टेस के ऊपर गोली चला देते हैं, मार देते हैं। इसी कंट्री, रफा वाली कंट्री के ही लोग थे, यानी सालों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है उस कंट्री में, जो ये बोल के घुमाया जा रहा है कि देखो इसराइल को लोग कैसे मासूम बच्चों पे अटैक कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, मासूम महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग सफर कर रहे हैं। ऑफकोर्स सफर कर रहे हैं यार, अब जंग छिड़ रही है तो सफर करेंगे, पर सफर सिर्फ और सिर्फ इधर ही के लोग कर रहे हैं क्या? इस तरफ के जो कंट्री से आपकी फाइट चल रही है इसराइल से, उधर के लोग नहीं कर रहे होंगे? बॉलीवुड की फेमस अदाकारा है, नुसरत नाम है उनका, वो इसराइल में थी, हमास की ओर से गोलियां चलती है, बम गिराना स्टार्ट होता है, जैसे तैसे भारतीय सेना, इसराइल की सेना, भारतीय और इसराइल एम्बेसीज उनको प्रोटेक्ट करके वापस भारत लाती है और वो वीडियो बना के बोलती है कि मैं थैंक्स बोलती हूँ इसराइल और भारतीय सेनाओं को, एम्बेसीज को, जिनकी वजह से हम सब सुखद वापस आ पाए। बट जस्ट 2 days बैक आई वोक अप इन अ होटल रूम इन टेल अवीव विद बॉम्ब साउंड्स अराउंड मी एंड sirens blaring and we were taken down to a basement and shelter areas and main pehle aise situation mein kabhi rahi nahi hu. So I want to take this moment and say thank you to the government of India, say thank you to the Indian embassy, say thank you to the Israel embassy for guiding us, for advising us and making it possible for me to come back home to my country safe and sound. To jab ye wahan desh mein thi, Israel mein, to kis desh ne unke upar bomb giraya tha, missile chhodi thi? बेसमेंट में छुपकी पड़ी थी वो, तब ऑल आईज ऑन इसराइल क्यों नहीं था? बट अब यहां से जब पलट के वार किए जा रहे हैं तो ऑल आईज चिल्ला लो। ये नरेटिव जो है ना, ये जो ग्लोबली चल रहा है, पिछले 3-4 दिनों में आपने देखा होगा बहुत तेजी से ये स्टोरी इंस्टाग्राम पे और जगह जगह चलने लगी है। ये ऐसे ही नहीं अपने आप फैल रही, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉबी काम करती है। हर रिलीजन की अपनी एक लॉबी होती है, फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हैं, इनकी एक लॉबी है। लॉबी का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, मतलब काफ़ी सारे बड़े बड़े रिलीजियस बिजनेसमैन और ऑर्गेनाइजेशन मिलके क्रिश्चियनिटी प्रोपोगेट करती है और जब ये साथ होते हैं, एक मिशन पे काम करते हैं, तो लॉबी कहलाई जाती है। तो मुस्लिम दुनिया में 180 करोड़ के आसपास है और इनकी भी अपनी एक लॉबी है जिनका काम ही यही है पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाना, जिसका मैं खिलाफ नहीं हूँ, डोंट वरी, मैं बस बता रहा हूँ कि लॉबीज का काम क्या होता है। अगर दुनिया में कहीं भी मुस्लिम्स लोग सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए फ़ंड इकट्ठा करके उनकी मदद करना, ऑफकोर्स पाकिस्तान में ठीक से नहीं कर पा रहे क्योंकि इतना ज़्यादा फंड भेज दिया गया है कि अब दिक्कत हो रही है, हंसी मजाक से हट के वापस आते हैं। इफ़ कोई मुस्लिम लोगों पे परेशानी होती है तो ग्लोबली नरेटिव चलाना कि इस तरीके से हमारे भाई लोगों पे हमला किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, दुआएँ भेजिए, आवाज़ उठाइए, डिक्टेटर बोलिए मोदी जी को, ये सब नरेटिव का पार्ट होता है। आपको क्या लग रहा है, ये जो डिक्टेटर मोदी जो चल रहा है, ये अपने आप चल रहा है? अरे अरे, आपको पता नहीं चला अभी तक कि लॉबीज है जो पर्टिकुलर इस टर्म को मोदी और इंडियन लोगों के साथ जोड़ रही है ताकि ग्लोबली हमारी इमेज खराब की जा सके। ऐसे ही नहीं चल रहा है अपने आप कुछ। अब देखो, दुनिया में लगभग 180 करोड़ के आसपास मुस्लिम है, तो जाहिर सी बात है
वो हर कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, तो एक्चुअली वो माइनॉरिटी नहीं है कहीं भी, वो ओवरऑल मेजॉरिटी ही है। तो ये क्या करते हैं, एक जगह दिक्कत आई, हमारे पास तो 180 करोड़ लोग हैं, चलो नरेटिव स्टार्ट कर दो। होगा क्या, इससे इसराइल पर प्रेशर पड़ेगा, और अब इनसे बोला जाता है कि भाई दूसरे कंट्री के लोगों के, दूसरे मजहब के लोगों को भी बोलो कि आप भी सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करेंगे, अब डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते ना कि हम जंग लड़ रहे हैं हमें सपोर्ट करो, बिकॉज तब आप भी गलत हो जाओगे, वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि नोबडी सपोर्ट वॉर। बट व्हेन इट्स कम टू इनोसेंट चिल्ड्रन, वुमेन्स, बुजुर्ग लोग या इनोसेंट पीपल, तब तो दिल पिघलता ही है ना। इसी को नरेटिव कहा जाता है, कि किस तरीके से मेजॉरिटी दुनिया के हम अपनी ओर ले। तो इसराइल अभी डोमिनेट कर रहा है, तो कैसे इसराइल को हम डोमिनेट करें, दुनिया से प्रेशर बना दो उसके ऊपर कि देखो ये इनोसेंट बच्चे हैं, इनोसेंट मदर्स हैं, इनोसेंट वुमेन्स हैं, इनका क्या कसूर, दे आर सिंपली वॉन्ट टू प्रे, वॉन्ट टू ईट, वॉन्ट टू स्लीप विद देयर फैमिली एंड ऑल, इनका कसूर क्या है। इस तरीके से नरेटिव सेट किया जाता है, और एक्चुअली सच बात है, मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करता, सफर क्यों कर रहा है कोई, बट मेरा ऐसा कहना है कि अगर आपको इंसानियत की फिक्र होती ना, तो ग्लोबली नरेटिव ये चलता, वाई वॉर, ऑल आइज ऑन ह्यूमैनिटी, से नो टू वेपन्स, ऐसा कुछ चलता ना। पर हमने क्या किया, हमने एक कंट्री के एक स्टेट को ले लिया कि देखो ये खतरे में, आज भी जाओ आप कश्मीर में बोलो कि कश्मीरी हिंदूज वापस आना चाहते हैं, वो डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वापस जाएंगे फिर से उनको मारा जाएगा। हम सब देखते हैं हर दिन पाकिस्तान में जो दूसरे माइनॉरिटीज हैं, सभी की बात कर रहा हूँ, सब ग्रेजुअली कम ही हो रहे हैं, कोई बढ़ नहीं रहा है। Why all eyes are not there, not on them, वो लोगों की क्या गलती है, उन पे भी नजर डाल लो यार, सारी नजरें उधर ही क्यों घुमा रहे हो। बंगाल में, हाँ हमारे देश के बंगाल में, ममता दीदी ओपनली इलेक्शन में बोल देती हैं कि मैं देख रही हूँ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हमारे ओपोजिशन पार्टी को सपोर्ट कर रही है, मेरी नजर है उनके ऊपर, खुल्लम खुल्ला डरा रही है। Now a controversy has erupted over Mamata Banerjee, a West Bengal chief minister's comments on Bharat Sevashram Sangh, Ramakrishna Mission and several age-old Hindu institutions. After monks of both these organizations praised PM Modi, the TMC chief lashed out at them and claimed that she doesn't consider them to be saints because they're directly involved in politics. While addressing an election rally on the 18th of May, Mamata Banerjee had alleged that some monks of two prominent monastic orders, Ramakrishna Mission and Bharat Sevashram Sangh, are working under the instructions of the BJP. जो महिला खुल्लम खुल्ला ऐसे बोल सकती है, तो सोचो संदेश खली में बंगाल में जो हुआ है, फिर कितना किया होगा उसने। तब मैंने हिंदूज को नहीं देखा यार इसके ऊपर बात करते हुए, दूसरे लोगों से क्या उम्मीद करूं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। पता क्यों नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि हिंदूज की अपनी कोई लॉबी नहीं है, तो हर मुद्दे होते हैं उनके साथ अत्याचार पे अत्याचार होते हैं और भूल जाते हैं। कश्मीर को ही ले लो, वो छोटी मोटी बात नहीं थी, एक देश से ऑलमोस्ट सभी लोगों को बाहर के भगा दिया गया रातों रात, और कुछ पता ही नहीं चला। अफगानिस्तान में भगा दिए गए ना, अब एक भी नहीं बचा हिंदू, वहां पे कभी हिंदू सिविलाइजेशन थी, कुछ सालों तक थी, वहां पे लोग रहते थे, पर अब देखो बोला किसी ने, पारसी लोगों को उनके देश से मार मार के भगाया गया था, कितने लोगों को हर्ट किया गया। आज इंडिया में 60,000 पारसी बचे, दुनिया भर में मैक्सिमम होंगे 2-5 लाख लोग मैक्सिमम। किसने मारा था उनको, कौन कम्युनिटी थी, कमेंट में बताओ। पर वो कम्युनिटी अपने लिए तो दुनिया से भीख मांग रही है, देखो हमारे बच्चे, पर व्हेन इट्स कम टू अदर्स, वो फिर से कहती है कि हाँ आपकी लाइफ इतनी मैटर नहीं करती। तो पारसीज के साथ जो हुआ वो भी इतना मैटर नहीं करता, हिंदूज के साथ जो हो रहा वो इतना मैटर नहीं करता, पर आंखें तो सिर्फ और सिर्फ रफा पे जानी चाहिए। यही तो नरेटिव है ना, कि आप इनडायरेक्टली, हम सब एक तरफा वॉर में आ गए और हम सब इनडायरेक्टली इसराइल पे प्रेशर बना रहे, हमें क्यों घुसेड़ रहे अपनी वॉर में, क्योंकि आप तो हमारे लिए कभी आवाज़ नहीं उठाते। आप फलस्तीन लोगों ने, जिनके आबुल नदाल ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया पे अटैक कर चुके हैं, लोगों से बोलो कि जो आपसे फलस्तीन लोगों से पूछिए जाके कि कश्मीर में जो हिंदूज के साथ हुआ आप उसको सपोर्ट करते हैं, हिंदूज के सपोर्ट में है, आप पोस्ट डालिए कि हमारे लोगों ने गलत किया, वो कभी नहीं डालेंगे,
कभी नहीं डालने वाले। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके हिसाब से वो सही कर रहे हैं, पर हमको नहीं पता कि हम क्या करें। तो हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जब ऐसे पोस्ट डालते हैं, वन साइडेड पोस्ट। लाइफ सबकी मैटर करती है, पर इस तरीके के पोस्ट कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये गेम जो ग्लोबली चल रही है ना, वो वन साइडेड है। इसका पर्पस ये है कि ग्लोबल से एक तरफा सपोर्ट लेके इसराइल पे पॉलिटिकली और ग्लोबली प्रेशर बनाया जाए। बाकी मेरा ये ओपिनियन है कि भाई ऐसे किसी भी पोस्ट को मैं तो इतना सपोर्ट नहीं करता। मेरा ऐसा मानना है कि ऑल आईज शुड बी ऑन ह्यूमैनिटी, वॉर रोका जाए, अपनी तरफ ट्रैफिक मत लेकर आओ कि हमारी तरफ सपोर्ट आ जाएगा फिर हम जीत जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको चाहिए लड़ाई रुके तो आप भी रुकिए। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करी, मैंने जैसे आपको एक पर्सपेक्टिव दिया। तो अगर आप बोलेंगे कि ये मिसिंग किया, वो मिसिंग किया, हिस्ट्री ये वो है हिस्ट्री, तो वो डिस्कस करने नहीं आया। यहाँ पे नरेटिव डिस्कस करने आया था, वो मैंने कर लिया। बाकी कमेंट करके बताना और शेयर करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, नया नया चैनल है, आपका सपोर्ट रहा तो बहुत आगे जाएंगे और मिलके सही रास्ते में दुनिया को लाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की।